अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है। मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल लार ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रुप का नाम खुशबू है, उसमें हम 10 बहनें हैं। मेरा ग्रुप ए ग्रेड में चल रहा है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लार गांदरबल में उम्मीद सबसे पहले आई हुई है, जो कि हमारा रिसोर्स ब्लॉक है आज बना हुआ। तो 2013 से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमें लोग इसमें जुड़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने हिम्मत की और हम आगे बढ़े। हम घर में नहीं बैठे, हमने सोचा हम कुछ करके दिखाएंगे और अपना नाम रोशन करके दिखाएंगे, हम ऐसे नहीं बैठेंगे। तो जब हमने इसमें ज्वाइन किया, चार साल से हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी बचत करते रहे, हर महीने सेविंग करते रहे। लेकिन हमें उससे कुछ उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं आता। हम सोच रहे थे खाली सेविंग हो रही है, वही निकाल रहे हैं, वही जमा कर रहे हैं वापस, तो क्यों ना हम कुछ रोज़गार स्टार्ट करें। जैसे जैसे JKNRL ने हमें फंड देना स्टार्ट किया, तो हमने अपने अपने रोज़गार स्टार्ट कर लिए वहाँ के। तो हमारा लार का एक ग्रुप बना हुआ है, FPO ग्रुप बना है, फ्रूट प्रोड्यूसर ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हम 35 लड़कियाँ हैं। उसमें हम आज 5 लड़कियां, जो हमारे लिए JKNRL ने प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जिसका नाम है सारस मेला मार्केट प्लेस, हमारे लिए इन्होंने दी हमें। तो आज हमारा यहाँ पे फूड स्टॉल है। हमने सोचा कि हम क्यों ना कुछ अलग करके दिखाएं पूरे कश्मीर में। ये आप बताइए कि कहाँ कहाँ पे आप ये किन किन जगहों पे आपने खुद जाके ये बनाया? हमारा यात्रा होती है, यात्रा जहाँ पे वो स्टे करती है बेस कैंप में, तो वहाँ पे हमारा स्टॉल लगता है। यात्रा तो सिर्फ वेज खाती है, तो हम वेज स्टॉल वहाँ पे लगाते हैं। यात्रा के लिए हम वेज स्टॉल्स रखते हैं वहाँ पे, और वेज भी हम बनाते हैं। प्लस हमारा रामबाग सोलिना में कैंटीन चल रहा है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पे भी हमारी लड़कियाँ बना रही हैं। तो आज हमारा सरस मेला में फूड स्टॉल आया है, जो कि कश्मीरी वाजवान हम यहाँ पे बना रहे हैं। पूरा कश्मीरी वाजवान बन रहा है, और प्लस हमारे जो बर्तन वगैरह जो हैं, पूरा कश्मीरी ट्रेंड की तरह से हो रहा है। घर का कैसा सपोर्ट मिला? घर का अच्छा सपोर्ट मिला, थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे कभी नहीं रोका। उनको मुझ पर पूरा भरोसा है, मुझ पर क्या, जो हमारे ग्रुप है, जो हमारी लड़कियाँ हैं सारी, उन सब पे उनके पेरेंट्स को भरोसा है, तभी तब जाके वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैसेज क्या रहेगी? मैसेज यही रहेगी उन लड़कियों के लिए जो घर में बैठी हुई हैं, जिनको शाय है अभी, उनको यही कहना चाहूँगी, अपनी शायनेस को घर में छोड़ो और घर से बाहर निकलो। जो आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, वो बाहर दिखाएं, अपना रोजगार स्टार्ट करें, अपने घर बार को। जी, मेरा नाम रुमिना है, और हम हबक शांतपुरा से बिलोंग कर रहे हैं। उम्मीद से छोटे से पहले हमें ये कंसेप्ट नहीं था कि हम कभी ऐसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिकॉज हम फिशरमैन कम्युनिटीज में बिलोंग करते हैं। वहाँ पर हमारी बैकवर्ड सोच होती थी, बहुत लड़कियों को ज़रा बाहर नहीं निकल देते थे, लेकिन जब से हम उम्मीद में जुड़े, उम्मीद की वजह से हमने कोर्स किया, IIT कोर्स किए, तंदूर किया, फिशेज में हमने रेसिपी सीखी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें 50 रेसिपी आती है फिशेज में, तंदूर में भी ऑलमोस्ट 20 रेसिपी आती है। तो शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी अच्छे से हर एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट ले रहे हैं, हमारी अच्छे से खासा सेल हो रही है, बहुत अच्छी सेल हो रही है। और हमारी मैसेज ये है कि आजकल जिस तरह हम अपने पैरों पर खड़ा हो गए इंडिपेंडेंटली, मैं सब लड़कियों से ये चाहती हूँ कि आप भी एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें कि हम कैसे अपना बिजनेस डेवलप करें। शुक्रिया खुदा का, अगर इससे पहले हम बेहतर नहीं सकते हैं, हमें वहाँ पर जाना जानते हैं, पहचानते हैं। थैंक्स, उम्मीद है उसने हमें ये मौका दिया। आप ये कहाँ पे फरोख्त करते हैं? क्या आपकी कोई दुकान है जहाँ पे? सर, हमारा अपना स्टॉल है, हमारा अपना दुकान है हबक शांतपुरा में ही। हमने पेजेस भी बनाए हैं, और हम ऑनलाइन ऑर्डर्स भी देते हैं, और जहाँ जहाँ पर हमारे एग्जीबिशन होते हैं या फिर किसी का फूड स्टॉल होते हैं, हम उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। मैसेज क्या रहेगी दीगर खवातीन के लिए? सर, हमारी मैसेज यही रहेगी दीगर खवातीन के लिए कि आप खुद को कमजोर ना समझें। जब हमने ये कर दिया, तो आप में वो काम, आप में वो खामी क्यों नहीं होगी? तो आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह जिस तरह हमने पार्टिसिपेट लिया और अभी खुद कर रहे हैं, शुरू भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, सब कुछ करें, तो बाकी लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकते? कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? कितना टाइम हुआ? एक मिनट, आप पूरा फिर वो उसमें आएगा, कितने चैलेंज फेस करने पड़े और कितने टाइम से आप कर रही हैं? सर, हमें बहुत चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम ये लोग कर सकते, बिकॉज हम
उनके यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारी जो मेरी हमारी माएँ हैं उनके साथ बहुत डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा था। तो हमने उसी लिहाज से सोचा कि हम क्यों ना अपनी फिश जो हमारा कल्चर है उसमें क्यों ना हम एक नया ट्रेंड लाए। तो जब हमने स्कूल से सीखे तो हम अभी फ्राई करके बेचते हैं, पका के बेचते हैं, ग्रेवी से जो भी हमें ऑर्डर्स मिलते हैं तो डिफरेंट तरीके से। तो पहले पहले स्टार्टिंग बहुत चैलेंजेस हुए क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहे थे आधे, क्योंकि समाज में भी बहुत टांग खींचने पे होते हैं, लेकिन शुक्र है जो ही वक्त हो गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ ठीक है।